परमेश्वर का मैं स्तुति धन्यवाद करता हूँ और एक बार परमेश्वर का संगति में आने के लिए उनका वचन के बारे में पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने हमें दे दिया अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आया हुआ आप सबको भी प्रभु आशीष दे। प्रकाशित वाक्य भविष्य की बातें बताने को चाहने वाला परमेश्वर का आवाज, उससे हम अध्याय का शुरुआत किया था, पहला अध्याय का। जल्दी होने वाली बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं करके बोलने वाला परमपिता परमेश्वर का आवाज, उसको आ प्रभु हम सुनना चाहता करके बोल के निकला हुआ हम लोग, इसी तरह पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है। एक एक करके हम काफी जगह तक पहुंच चुके हैं, इसलिए हम लोग आज चार्ट को देख कर ही आगे बढ़ेंगे। 13वां अध्याय हम लोग पूरा किया, आगे हम लोग 14 अध्याय की पढ़ाई से आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग ये जनरल मैप हमेशा देखते आ रहे हैं, तस्वीरों में बाइबल, मतलब एक तस्वीर के रूप में संपूर्ण बाइबल सामने पेश किया गया। पुराना जमाने का बातों को, ये इधर से इधर तक का जो भूतकाल की बातें, अंदाज 6000 साल का आदम की सृष्टि के बाद और उसके पहले का स्वर्गदूतों का जमाना, इस तरह हम लोग इधर आके ए एरिया में हम खड़ा है, हम यहाँ हैं। ये 7 साल का शुरुआत अभी तक नहीं हुआ है, होने की बात के बारे में पढ़ाई हमारा हो चुका है। 6वां अध्याय में जैसा सफेद घोड़े पर रहकर मसीह विरोधी प्रवेश करता है, उधर से शुरू हो रहा है। उसका डिटेल्स हम पढ़ के आ रहे थे। पहला 7 तुरहियों को, 7 मोहरों को खोलते हुए हम देखा, जो परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह खोल रहा है, और साथ साथ एक्शन स्वर्ग से दुनिया में आरंभ हो रहा है। उसके बाद 7 तुरहियों को हम देखा, उसके द्वारा पीढ़ाएं बाधाएं आते रहेंगे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया कारण से परमेश्वर अपना क्रोध दुनिया को भड़का रहा, फिर भी परमेश्वर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए अलग अलग तरीके में काम किया, ये बातों को हम देखा। 7वां अध्याय में 144,000 यहूदी लोगों को बुलाकर उन्हें माथे पर परमेश्वर का दास करके नाम लेके भेज रहा है, ये बात हमने देखा। उसके आगे 11वां अध्याय में 2 भविष्यवक्ताओं को आते हुए देखा, और उसके बाद 12वां अध्याय में अंदाज ये 7 साल का आधा टाइम होने के बाद की घटनाएं हम देख रहे थे। स्वर्ग में से मिखाइल और दूध लोग मिलकर शैतान और दूध को स्वर्ग का एक्सेस को खत्म करके उन्हें नीचे गिरा दिया। क्रोध से नीचे आया हुआ लोग, बचा हुआ यहूदी लोगों को 144,000 11वां अध्याय में उठा लिया जाता है, उनके पीछे पड़ा रहता है। उसके पीछे कटोरा की बाधाएं आने वाला है, इस लेवल तक का मां के अंदाज के एरिया में खड़ा है। हम आगे ये बात देखकर शुरुआत करेंगे। याद रखना, देर इज नो क्राउन विदाउट क्रूस। प्रभु ने हमें दे दिया क्रूस उठाने की नतीजे में, रिजल्ट में हमें अपना मुकुट पाता है। हमारा अनंतता की एंट्री प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हो रहा है, लेकिन हमारा प्रतिफल हमारी मेहनत का है। पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए तुम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। इन बातों को हम देख रहे हैं। इधर हम लोग देखने वाला एक ही चीज है, ये 144,000 लोग जो उठा लिया गए थे उनको स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। हमने ये देखा 7वां अध्याय में, वो लोग धरती में परमेश्वर का दास करके काम कर रहा है, काफी लोगों को उद्धार में ला रहे हैं। 12वां अध्याय में औरत की बैठक का रूप में वो उठा लिया जाता है। अब 14वां अध्याय में हम उनको स्वर्ग में देखने वाला है, स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र के साथ घूमते फिरते देख रहा है। इन बातों को मुख्य तरीका से हम देखने वाला है। और 13वां अध्याय में मुहर मारा हुआ लोगों का नतीजा क्या है, इन बातों को भी हम देखने वाला है। आई एम पॉइंट में आ जाएंगे। 1 से 5 वचन में 144,000 लोगों का हाल स्वर्ग में देख रहा है। 6 से 8 वचन में स्वर्गदूत लोग मिलकर एक सनातन सुसमाचार प्रचार कर रहे, एवरलास्टिंग गॉस्पल, सनातन सुसमाचार। आज ये सनातन वेद उसका सम सुनाई दे रहा है, साथ साथ घर वापस ही हम सुन रहा है। दोनों बात बाइबल के अंदर के आइडिया ही है। एदन के बगीचे में परमेश्वर लोगों को बुला रहा है, घर वापस आ जाओ। और सनातन सुसमाचार
सुनिया सूरज चंद ने सितारों को बनाया, परमेश्वर पर विश्वास करो, बाकी चीजों को छोड़ो, ये सनातन से समझा। ये दोनों बाइबल के अंदर की बातें हैं। और आगे 9 से 13 वचन में हम लोग छे 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 का नंबर लेगा या उसका नाम अपने माथे पर या हाथ के ऊपर लेगा, उनका क्या होने वाला है ये बात बता रहा है। कभी भी उनको वापस पाप क्षमा नहीं मिलेंगे, हमेशा के लिए आग के झील में फेंक जाने वाला है। आगे 14 से 20 वचनों में परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होने वाला बातों को भी, पहले उनका फसल काट के जमा हो रहा है, उसके बाद उसका क्रोध भी दिखा रहा है। आए हम परमेश्वर का वचन को वायदा को दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यह मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं, मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है, शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन का आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा, पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओंगा और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। ये प्रत्याशा से तो हमने कबूल कर दिया, हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे साथ हैं। आइए हम पहला वचन पढ़ के शुरुआत करेंगे, पहला और दूसरा वचन पढ़िए प्लीज। फिर मैंने दृष्टि की, देखो वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहा हो। मैंने 144,000 लोगों के बारे में आपको बोला, जो 7वां अध्याय में प्रभु अलग करके ये महाक्लेश का जमाने का कुछ टाइम सेवकाई करने के लिए मुहर डाल के अलग कर रहा है, और वो लोगों को 12वां अध्याय में, उसके पहले 11वां अध्याय में उठा लिया जाता है करके हम लोग देखा, औरत की बेटा के रूप में उठा लिया जाता है ये लोगों के बारे में। फिर मैंने दृष्टि की, देखो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। सियोन पहाड़ धरती में गए, सियोन पहाड़ है, लेकिन और उसके साथ और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। स्वर्ग में से मुझे एक शब्द सुनाई दिया, मतलब ये लोग स्वर्ग में खड़ा, इधर काम किया उठा लिया गया, स्वर्ग में खड़ा है, ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा मानो वीणा बचाने वाले वीणा बचा रहे हैं। ये स्वर्गीय सियोन के बारे में कई जगह पे बताया है, इब्रानियों का 22वां अध्याय में जो लिखे रखा, मैं इंग्लिश में हिंदी में इधर लिखा है, पर तुम सियोन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के पास, आगे ये करके बाइबल में बता रहा है। स्वर्गीय यरूशलेम में पहुंच गया वो लोग, उधर यीशु मसीह के साथ चलते फिरते हम देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, 12 का 5वां वचन पढ़िए। वो बेटा जने जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। अभी आप एक तस्वीर में सरा नजर डालो, ये 7वां अध्याय में मुहर डाला हुआ बन जाता है, और उसके बाद 12वां अध्याय में वो उठा लिया जाता है, जो अभी हम पढ़ा बेटा के रूप में। वो बेटा को 144,000 बोलने का कारण सब हम बाइबल के आधार पर ही देखा भी है, और वो स्वर्ग में परमेश्वर का संगति में मेमना के साथ रहता है। इसी तरह 7वां अध्याय में चले गया मैन चाइल्ड रैप्चर चैप्टर 12, बोलो खुशी मनाते हुए परमेश्वर के साथ वक्त बिता रहे हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए।
इनके बारे में भी कुछ बातें आगे भी बताया है। ये हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। 14:3 पहला पढ़िए। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। मैं पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, वो लोग अब पृथ्वी में नहीं है। मतलब इस तरह की कुछ पढ़ाई आपको शायद मिलेगा, इसके लिए मैं ये बात क्लियर कर रहा हूं। 144,000 लोग सातवां अध्याय में पृथ्वी में काम किया, 12वां अध्याय में उठा लिया गया, अब पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं, रिडीम्ड फ्रॉम अर्थ, और ऐसी गीत गा रहे हैं। याद रखो ये लोग, ये महाक्लेश के जमाने में पौलुस को मिला हुआ जैसा एक शक्तिमान मिलके विश्वास में आया हुआ लोग, इसलिए उनको कुछ अनोखा अवसर है। लेकिन पहला जमाने का प्रेरित पत्रोस याकूब यूहन्ना के जैसा वो लेवल में नहीं है। स्वर्गीय मंडल में अलग अलग तस्तिकाएं हैं, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग जवाबदारियां हैं ऊपर नीचे का। प्रभु यीशु ने बोला स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा चवने चाहने वाला मेरे वचन छोटी छोटी आज्ञाओं को पढ़े, विश्वास करे, सिखाए तो स्वर्ग में सबसे बड़ा होगा। जो मेरी छोटी बातों को विश्वास नहीं करते और सिखाते भी नहीं है वो स्वर्ग राज्य में छोटा रहेगा, स्वर्ग राज्य में छोटा बड़ा है। हम लोग लाखों करोड़ों कंपनी से प्रोड्यूस किया कार के जैसा वगैरह नहीं है, एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। सनातन दिनों के लिए अनंतता तक 1,000 साल ये दुनिया में, आगे का नया जेरूशलेम नया धरती में राज्य कराने के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना बना है। इसलिए अरेक विश्वासी भाई बहन को मैं याद दिला रहा हूं, प्रभु मुझे आप किस लिए बचाया, मुझे क्या क्या काम करना है, ढूंढ के निकाल के पूरा करना आपका जीने का एकमात्र जवाबदारी है। पत्रोस दूसरा अध्याय में यह बात बता रहा है, मैंने बोल चुका आपको, तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने समझने के लिए फली भांति यत्न करते जाओ ताकि तुम ठोकर ना खाओगे। आप डायरेक्टर होने के लिए बुलाए गए हैं लेकिन आप काम कुछ करते नहीं है, आराम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से हमें आनंद जीवन मिला है इसलिए शांति रहेंगे, इधर उधर कुछ देखेंगे नहीं, सुसमाचार सुनाएंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं, बाइबल पढ़ेंगे नहीं, मेरे बुलाहट क्या है करके देखेंगे नहीं है, तो आप डायरेक्टर का पोस्ट में से पीयून का पोस्ट में आ सकता है। स्वर्ग राज में बड़ा छोटा है करके मत्ती का 5:19 में यीशु बराबर बताया हुआ। एक औरत ने पूछा ना, मेरा इन दोनों बच्चे एक आपका दाहिने ओर एक आपका बाएं ओर बैठने के लिए अनुग्रह दे, प्रभु ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं है करके नहीं बोला, लेकिन देने वाला मैं नहीं हूं मेरा पिता है करके बोल दिया। याद रखो हम एक रेस में है, बच गए हैं, औरों को बचाने के चक्कर में, अपना जिंदगी खर्च करने के चक्कर में हम अपना पोस्ट पा रहा है। एक कंपनी में हम लोग एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक पीयून करके ज्वाइन किया व्यक्ति, प्राइवेटली एग्जाम लिख के क्लर्क बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है। इस तरह हम लोग अपना जिंदगी का प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, उसको पौलुस की भाषा में पहले से तैयार किया भलाई का काम परमेश्वर ने प्लान सब बना के रखा है। सिर्फ इतना ही है हमें ढूंढना है, उद्धार पाने से पहले हमें ढूंढने को आता ही नहीं था। उद्धार पाया हम नया सृष्टि बन गए, अभी हम जांच पड़ताल करना है, मुझे मेरा जिंदगी का बुलाहट को पूरा करना है, यही मेरा एकमात्र टारगेट है। उसके लिए हमें घर दिया है, मुझे जगह में जन्म दिया है, मुझे इतना पढ़ाई दिया है, मुझे अलग अलग एक भाषा में रहने वाली जगह पे मैं रहता हूँ कोई राष्ट्र में, ये सब उसका सेटिंग है ताकि मैं मेरा ड्यूटी पूरा करे और प्रभु यीशु मुझे एक दिन बोलेंगे फले और विश्वस्त दास। ये बात दिल में रखकर पृथ्वी से मोल लिया गया वो लोग जैसे करते हैं हम भी अपना काम करने के लिए। 14 पढ़ेंगे। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुवारे हैं, ये वे है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। मैं ये बातों के बारे में मैं काफी क्लासेस लिए हुए हैं, उसके बाद बीच में मैं पास्टर लोगों से भी थोड़ा कुछ वाद विवाद हुआ। स्त्रियों के साथ अशुद्ध हुए करके एक विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल किया हुआ है। एक्चुअली आज के जमाने में शादी करना, औरत के साथ जिंदगी बिताना अशुद्धता की बात नहीं है। इधर दो तरीके से मैं ले सकता है, एक ये लोग
विचार के फंदे में फंसे हुए नहीं है, लेकिन इससे बढ़कर आगे का वचन भी हम जोड़ के पढ़ेगा। ये लोग अविवाहित रह करके भी हम देख सकते हैं, कोई बार बार बाइबल के अंदर की ऐसे शिक्षा हम देखना चाहे। पर कुंवारे मतलब बैचलर्स, वो लोग आत्मीय लोग हैं, औरत लोग हैं ही नहीं है। 12 गोत्र का आत्मीय लोगों को प्रभु ने सुना है। इसके लिए मत्ती का 19 अध्याय का 12 वचन में प्रभु यीशु हमें तीन तरफ की यूनक्स के बारे में या नपुंसकों के बारे में सिखाते। कुछ लोग जन्म से नपुंसक हैं, कुछ लोगों को दुनिया नपुंसक बनाया है। आज दुनिया में दिखने वाला अधिकांश नपुंसक ऐसे बनाया हुआ है, दुनिया ने बनाया हुआ लड़कों को नपुंसक बनाया है। तीसरा, स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाने वाला एक महान बुलाहट। याद रखो, एदन के बगीचे में मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं करके शादी का योजना बनाया परमेश्वर। आज दुनिया पॉपुलेशन कम करने के लिए प्लान बना है। मालूम है दुनिया में पॉपुलेशन का बढ़ती प्रॉब्लम है, इसलिए खत्म करना करके आज का हमारा सेटअप सिस्टम को आप देखेगा, इंक्लूडिंग COVID-19, आपको यह बात मालूम पड़ेगी। दुनिया खुल्लम गुल्ला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में डिक्लेयर किया, पीपल आर द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव टू रिड्यूस दम। इतना तक को लोग ओपनली खोल के बोला है, 700 करोड़ लोग हैं, उनको कम से कम 100 करोड़ बनाएगा नहीं तो जीना मुश्किल हो जाते हैं। दुनिया की जान पहचाने ये एकदम गला था। परमेश्वर ने बोला भूलो भलो, मतलब मैं तुम्हें सुविधा दूंगा। इसराइलियों को लेकर आने कितने बोलेगा, तुम इजिप्त में खेती चलाने के बाद पानी बावड़ी के अंदर से लेके बाता था ना, जो जगह पे मैं तुम्हें देखने जा रहा था, तुमको पानी पंपिंग करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मैं बारिश दूंगा करके बोला है। सारे सुविधा परमेश्वर ने दिया है। दुनिया में कितना भी करोड़ लोग आने दो, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना ही है परमेश्वर का रास्ते पर हम चलते रहना है। मतलब ये लोग एक पहले फल के रूप में स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, ये 144,000 लोग ईमानदारी से पौलोस की जगह पे खड़ा हुआ था, साउल के जगह पे, मतलब मसीह लोग गलत है। हम मूसा के वायदा किया हुआ मसीहा के इंतजार कर पाए करके मैंने आपको 5-6 अध्याय में ये बात दिखाया था, ईमानदारी से पुराना नियम बढ़ने वाला। उनके सामने अचानक एक झड़के के रूप में आ रहा है रैप्चर, कलीसिया उठा लिया जाना, तब वो लोग चकित हो जाते। जैसे पौलोस को डमास्कस रोड में घोड़े से गिरा दिया, वैसा ही ये 144,000 लोगों के सामने लाखों करोड़ों शायद मसीह कलीसिया उठा लिया गया। तो हम गलत थे, उधर से लोग वापस आ रहे, हम गलत थे, मतलब हम लोग डानियल का 70वां सप्ताह में आ चुका है। मतलब दुनिया आगे ये सिस्टम में मुश्किल से 7 साल चलने वाला करके समझ लिया। वो चुना हुआ 144,000 लोग शादी करना नहीं करके विचार कर रहा है, कुंवारे रहने का विचार कर रहा है। इस तरह वो लोग कुंवारे करके लिखे रखा है, उनके मुंह में कभी छूट नहीं है। इनके बारे में अविवाहित कुंवारे पवित्र इन पदों को दिखाने के लिए मैं कुछ वजन नीचे लिखे रखा है। 1 कुरिन्थियों 7:34 में हम ऐसे पढ़ते हैं, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है, अविवाहिता प्रभु के चिंता में रहती है, वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न करे। इस तरह इस बातों को जोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट में, ये परिस्थिति में जब वो लोग आया, सुन लिया परमेश्वर ने और मालूम पड़ा कि यीशु ही मसीहा है, तो एक ड्रास्टिक चेंज उनकी जिंदगी में आ रहा है। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी आगे शादी करना नहीं है। इब्रानियों का 13वां अध्याय में लिखे रखा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंग रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा। इधर 21 में आपको याद दिला रहा हूं, शादी में पहुंचने से पहले आपकी जिंदगी में लैंगिक संबंध की कोई भी पाप की पालन पोषण आपने किया है, जो दुनिया ओके बोलता है लेकिन परमेश्वर ओके नहीं बोलता, वो आपको परमेश्वर को बोल के सेटल नहीं करेगा। आपका शादी का बिस्तरा पवित्र नहीं होता। विवाह बिछोना निष्कलंग रहना है तो आपका किया हुआ पाप शायद हो गया होगा, वो किया हुआ पापों को कबूल करके प्रभु में माफी मांग रहा हूं करके एक नया जन्म के अनुभव में, एक नया समर्पण के अनुभव में नहीं आएगा तो आपका शादी भी एक व्यभिचार का बिछोना हो सकता है, क्योंकि आप पाप रखते। कल तक चलता रहा बैचलर बन गए, आज शादी करके औरत के साथ नहीं तो आत्मी के साथ। याद रखना प्रियो, पाप से परमेश्वर नफरत करता है, पाप अंग बंग करके परमेश्वर छोड़ेगा ही नहीं।
पाप को क्षमा देने के लिए परमेश्वर को यीशु मसीह का नाम से हक मिला है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबका पापों का दंड ले चुका है। ये बात समझकर हम आगे बढ़ेंगे। आगे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, वो पहला फल है, मतलब में तुम्हारे हैं परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों से मोल लिया हुआ। ये पहला फल का वर्ड भी मैं आपको सरल दिखाना चाहता हूँ। बड़े काफी जगह पे पहला फल की बात बताया। पहला कुरिन्थियों 15 का 20 में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। यीशु मसीह जब जी उठा पहला फल हुआ। पहला कुरिन्थियों 15 के 23 में, परंतु हरेक अपनी अपनी बारी में पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने से आने पर उसके लोग। 15 में पढ़ते हैं, ए भाइयों तुम स्तिफानुस के खराने को जानते हो कि अखया के पहले फल है, स्तिफानुस का परिवार, और पवित्र लोगों के सेवा के लिए तैयार रहते हैं। याकूब के पत्र बोलता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की कोई वस्तु में से एक प्रकार का प्रथम फल। ये लोग जो 144,000 यहूदी लोग, ये 7 साल में रहने वाला सारा यहूदियों के बीच में से एक पहला फल है। मतलब वो लोग इतना ईमानदारी से काम करते थे, इसलिए परमेश्वर आगे आगे बढ़ने वाले को हमेशा एक प्रायोरिटी देता है, आगे बढ़ाता है, बढ़ना चाहने वाला। प्रभु यीशु ने बोला, तुम सबसे बड़ा बनना चाहता है तो, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला ऐसा नहीं होएगा करके, नहीं, सबका दास बनो। सर्वेंट लीडरशिप इज द क्रिश्चियन एटीट्यूड, क्रिश्चियन कमांडमेंट। इस तरह पहले फल की बातें बताया हुआ। आगे हम 6-7 वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग पृथ्वी समुद्र और जल के सोते बनाए। मैं दोनों पद आज खास करके अपने भाई बहनों से चर्चा किया हुआ जाने वाला सनातन वर्ड और खर वापसी वर्ड, दोनों को सरा खुलासा करके देता हूँ, ताकि ऐसे बात करने वाले को आपको सीधा सीधा जवाब प्यार से दे सकता है। नंबर वन, ये खर वापसी, एदन की बगीचे में पाप किया लोगों को जब बाहर निकलते हैं, एक औरत का बेटा आने वाला है, वो शाम का सिर कुछ लेंगे करके उद्धारकर्ता का वायदा देते हुए परमपिता परमेश्वर ने एक घर वापसी का योजना घोषणा किया। वो योजना घर वापसी का घोषणा बार बार बताने के लिए 4,000 साल में भविष्यवक्ताओं का एक परंपरा को परमेश्वर ने दिया। पीछे पीछे एक करके बहुत सारे इसे आयसमिया मूसा अब्राहम वगैरह सब मिलकर अलग अलग तरीके से प्रभु उनके इस्तेमाल कर रहे थे, वापस आ जाओ करके बुला इसराइली गोत्र को ये बात बताने के लिए, इनका परमेश्वर बड़ाए करके दुनिया के सामने सबूत दिखाने के लिए रखते। नया नियम के बाद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाने वाला भी घर वापस आ जाओ करके बुलाने वाला है। घर वापसी बाइबल का मुख्य संदेश है। नंबर 2, सनातन सुसमाचार। सनातन सुसमाचार क्या है? आज सुसमाचार बाइबल की बातों को नहीं सुना हुआ व्यक्ति ये सोच रहा है करके परमेश्वर को मिलना है, सृष्टिकर्ता को मिलना है। मैं जो शरीर में फला चंगा खड़ा हूं, मुझे ये दिया, मेरे माँ बाप को दे दिया, मेरा परिस्थिति को दे दिया, वो परमेश्वर को सृष्टिकर्ता को मिलना चाहता हूं करके उनका दिल में सोचता है, उनको ये प्रार्थना करना पड़ेगा, ये दुनिया को रचने वाला, दुनिया को चलाने वाला, मुझे जन्म दिया हे सृष्टिकर्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात पूछेगा बोलेगा उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ ये जमाने में पहुंचाएगा। उल्टा ईश्वर में ये करके बोलने वाला मूर्ख बनेगा, या ईश्वर को बनाने वाला मूर्ख बनेगा, वो फंस जाएगा, अपने दिमाग से फंस जाएगा। मतलब सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता का हस्तकला प्रकट हो रहा है, सारे सृष्टि को देखकर हम अजीब हो जाएंगे। मतलब अंदर साइंटिफिक बातों के अंदर एटम के जैसे जाके माइक्रोस्कोप से पेश करो तभी भी हम चकित हो जाएंगे। सुंदर अधिभयानक सृष्टि बनाकर रखा है, वो सृष्टि के पीछे का सृष्टिकर्ता है ही नहीं करके बोलना बेवकूफी का क्लाइमैक्स। इसलिए एक सनातन सुसमाचार खुला, रोमियों का 1, 2, 3 अध्याय में इसका खुलासा किया है।
सृष्टि सृष्टिकर्ता को प्रकट कर रहा है ताकि हम बहाना ना बोल सके। मतलब ये सनातन सुसमाचार और घर वापसी, ये दोनों बाइबल का ही संदेश है करके प्यार से ऐसे आर्गमन करने वाला भाई बहनों से आप सुना सकते हैं। इधर ये क्या लिखा है देखो, स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। क्या है यह सनातन सुसमाचार? उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग पृथ्वी समुद्र और जल के सोते बनाए। हम जिस धरती में बैठा है, जो 40,000 किलोमीटर का राउंड है, समुद्र है, तूफाने हैं, पहाड़े हैं, और वो 1600 किलोमीटर में घूम रहा है, 1,08,000 किलोमीटर में भाग रहा है, ये सबको बनाया परमेश्वर करके बोल दिया, आप रॉन्ग नंबर डायल नहीं किया, राइट नंबर डायल किया। ओ परमेश्वर, जैसा कुर्नेलियस का घर में प्रार्थना सुनकर उत्तर कराया, तेरा प्रार्थना सुन चुका है, तू जाके कैफा को मिल, वो उधर रहता करके एड्रेस करके परमेश्वर भेजें। इसलिए भजन दो बार बता रहे हैं, परमेश्वर स्वर्ग में से मनुष्य को पुत्र को देखता है, उन्हें ढूंढने वाला बुद्धिमानी क्या करे। आप ये समझना जरूरी है, अपना परमेश्वर दिल से ढूंढने वाला किसी को इनकार नहीं करें, उनको पता है, हम ढूंढने से पहले उनको पता है। इसलिए दिल खोलकर याद रखो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की पहचान नहीं हुआ लोगों को सवालों का जवाब है ही नहीं, उनके पास सवाल ही है, कौन है बनाया, क्या हो जाएगा, न्याय क्या हो जाएगा। इब्रानियों का 9:27 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। उसका आधा भाग मनुष्यों के लिए एक बार मरना दुनिया के सारे इंसानों को बताए, उसका दूसरा भाग फिर न्याय का होना मनुष्य को पता नहीं है, वो परमेश्वर का प्रकटीकरण है, और हमारे मनसा से सीधा आवाज देते हैं हाँ होना है। जब एक अन्याय हो रहा है, एक बड़े छोटे को मारता है, चाहे स्टूडेंट रहे चाहे कोई गुंडागर्दी करने वाला रहे, हमारे दिल ऐसा बोलते हैं एक दिन तुझे भी पकड़ेगा ऊपर वाला। न्याय की बात हमारे दिलों में लिखे रखा, मतलब आनंददा की बातें दिल में लिखे रखा है करके सब उपदेशक बताना। प्रियो, बाइबल इज अ कंप्लीट बुक, आप पढ़ते रहेगा, आपका दिल और दिमाग परमेश्वर का दिमाग के लेवल पर बढ़ते बढ़ते रहेगा। इसलिए बाइबल खुद बता रहा है, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का आखिरी वचन में, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें मसीह का मन है। सनातन सुसमाचार स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं, उनको इतना यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको छोड़ा नहीं, इसलिए सनातन सुसमाचार बोल रहे हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते को बनाया परमेश्वर के ओर फिरो, ये जो चिन्ह चमत्कार करने वाला पशु होगा जीव जंतु होगा पीछे पड़ो मत करके वो लोग बता रहा है। गॉड इज ऑलवेज क्लियर, परमेश्वर हर वक्त पे साफ साफ बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, 8वां वचन पढ़े। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत कहते हुए आया, वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ये हम लोग आने वाला 17 और 18 अध्याय में पढ़ने वाला है, एक प्रोफेटिकल वर्ड दर दिया हुआ भविष्यवाणी की तरफ से। कुछ बातें समझो, थोड़ा आगे होने वाला है तो परमेश्वर ने कभी ऐसा लिख के रखा है, हो गया, जैसा मैंने फरो का हृदय कठिन कर दिया, ये सब परमेश्वर का बोलने का एक तरीका, ये तरीका समझना है तो हमको फाइनली स्वर्ग में जाने के बाद ही मालूम पड़े, क्योंकि परमेश्वर के सामने कुछ अनजान नहीं है, कोई सस्पेंस है ही नहीं है, शुरुआत से अंत तक जाने वाला, लेकिन हमारी गलती का जवाबदारी हमको ही भोगना है। परमेश्वर हमको गलती करवाते नहीं है, बचने को उपाय बता रहा है। बड़ा बाबिलोन गिर गया, 17 अध्याय में हम लोग एक फेद बड़ा बाबिलोन करके एक धार्मिक बाबिलोन के बारे में पढ़ने वाला, 18 अध्याय में बड़ा बाबिलोन है बिजनेस बाबिलोन या पॉलिटिकल बाबिलोन के बारे में पढ़ने वाला। पहला नंबर को ये पॉलिटिकल बाबिलोन ही गिरा देते हैं धार्मिक बाबिलोन को, और पॉलिटिकल बाबिलोन को परमेश्वर ही नाश करता है, मतलब लोगों शैतान की और इन दोनों मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता उनके अगुवाई से काम करते आने वाले को परमेश्वर अपने आप काम खत्म करने का तरीका। इसराइली जो जब भी लड़ाई में जा रहे थे, कई बार ऐसा होता था इसराइली लोग जाते हैं लड़ाई के लिए और दुश्मन लोग 3,000 राष्ट्र या जाति मिलकर इकट्ठा होकर आ रहे,
परमेश्वर बोलते हैं बट इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड। बाइबल की लड़ाइयों को आप देखेगा, पुराने इतिहासों में, धर्मों में, सिद्धांतों में, हम सुनने वाली बातों से कुछ हमेशा अलगदा ही दिखाई देगा। परमेश्वर बोलता है लड़ाई यहोवा है। कई बार वो लोग सूर्य आराधना करके जाते थे, आपस में दुश्मन लड़ते थे, लड़ते एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे, दूसरा तीसरे को खत्म कर डालेंगे और बाकी बचा हुआ लोगों को परमेश्वर ही खत्म कर डाले। परमेश्वर ये नहीं चाहता है अब इंसान इंसान से बिना मतलब से लड़ते रहे। मतलब न्याय का दंड देने वाला परमेश्वर हर बार बीच में कभी एक एक केस में परमेश्वर बोलता दुश्मन को डरो मत, उनको दंड दिला दो। आज भी कानून है ना, फांसी मर्डर करने वाले को सरकार फांसी लेते हैं, इस तरह कानून भी रखा है, लेकिन जनरली परमेश्वर ये बात पूर्ति करते रहे। इसलिए बाइबल में बार बार बताया हुआ एक वर्ड है, संग्राम यहोवा के लिए, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये बात समझ के हम जाएंगे। एक भविष्यवाणी की आवाज है, बड़ा बाबिलोन ने दोनों गिरने वाला है करके ये बात अनाउंसमेंट करने वाला प्रोफेटिकली भविष्यवाणी की आवाज। आगे हम नौवां भजन पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी थाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। इससे एक ही थीम अभी दिखा रहा है, मैं पीछे को इंग्लिश में वो थीम लिख के रखा, इफ यू रिसीव द नेम और द नंबर ऑफ द बीस्ट यू आर लॉस्ट फॉरएवर। आजकल ऐसे मूवियां तक निकले हैं, नंबर ले लिया तो भी फिर पश्चाताप करने के लिए अवसर मिलेगा करके। प्रियो बाइबल पढ़ने की जरूरत इधर है, आपको परमेश्वर का वजन से बढ़कर कोई आधार नहीं होना है। प्रेरितों का किताब 17 अध्याय का 10वां वचन के आसपास पौलुस और सीलास मिलके बेरिया करके एक जगह पे बात कर रहे हैं। बात करते करते बेरिया का लोगों को बोलते, बेरिया का लोग छोटे छोटा चर्च है, थसलोनिका, एफेसुस, गलातिया, कुरिन्थ का जैसा बड़ा चर्च नहीं है, इसलिए उनके लिए पत्री भी नहीं लिखा, लेकिन उनके बारे में ऐसा बताया गया है थसलोनिका के कलीसिया से बेरिया का कलीसिया भले थे, उत्तम थे, नोबलर था। क्यों? आगे रीजन भी लिख के रखा है, क्योंकि ये प्रेरित लोग पौलुस और सीलास बात करते थे वचन वैसा ही है, क्या करके प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को ढूंढते थे। मैं आपको चेतावनी देता हूं, मैं आपको सिखाने वाली बातें बराबर है, क्या करके पवित्र शास्त्र में आप ढूंढते रहे। आपको स्वर्ग में लेके जाने वाला मैं नहीं है, मैं आपके जैसा एक पैसेंजर है, मतलब आपको परखना है, जिंदगी आपका है, इस तरह परखते रहेगा। ये साफ साफ बाइबल बता रहे हैं, परमेश्वर बार बार दोहराया है, आसमान धरती चले जाएंगे, जिस धरती पे पैदा है आज से 7 साल और 1000 साल शायद, इसके बाद जला के डी मेटीरियलाइज करने वाला है, भस्म करने वाला है। लेकिन प्रभु ने बोला मेरा वजन नहीं ढलेंगे, इसका मतलब भरोसा किस पर रखना है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहता। ये बात याद रखें, आप ये तीनों भजन पढ़ेगा, तीनों भजन का एक ही खंडन करके संदेश है, आउटराइट डिक्लेरेशन है, कुछ भी करो आप नंबर या नाम लेगा। इसका मतलब है नंबर या नाम एक्सीडेंटली नहीं होता है, मजबूरी से नहीं होता है। नंबर और नाम लेने के लिए हम लोग जाके मैं लेता, तब वो लोग बोलेंगे यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और उसको मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाया करके विश्वास करो तो तुम उद्धार पाएगा करके बोल दिया रोमियोंगा 10वां अध्याय का 9वां वचन। आपको पलटी करके कबूल करना ही पड़ेगा। ये बात 10 नीरो राजा लोगों की पीड़ा के जमाने में कई नीरो लोग मांग रहे थे, क्योंकि रोमियोंगा 10 का 9वां और 10वां वचन एक मसीह विश्वासी अपना विश्वास को डिक्लेयर करने का एक तरीका बन चुके थे। ये बात राजा को भी मालूम था, तो बोला यीशु नहीं है तुम्हारा प्रभु, कैसर है तुम्हारा प्रभु करके कबूल करे करके बोलने को बोला था, मसीह लोगों को जबरदस्ती करता था। वो लोग ने इनकार करते थे और मार्टियर बनते थे। याद रखो
इधर हम लोग ये नंबर लेने से पहले मैं वो मसीह विरोधी कोई भी नाम लेकर आएगा, समझो क्रिस्टोफर नाम लेकर आया, सोचो मैं क्रिस्टोफर को मेरा प्रभु करके मानता हूं, यीशु को नहीं करके इनकार करना ही पड़ेगा। मत्ती का समाचार में प्रभु यीशु ने खुद बोला हुआ बातों के आधार पर मनुष्यों के सामने मुझे मानने वाले को मैं मेरे पिता के और स्वर्गदूत के लोगों के सामने मानूंगा, मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करने वाले को मैं भी मेरे पिता के सामने इनकार करूंगा करके लिखा रहेगा। सो दिस नंबर टेकिंग और नाइन टेकिंग, नाम लेना या नंबर लेना, एक डिलिबरेट डिक्लेरेशन है, जीसस क्राइस्ट मैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि अभी ये मैं ना इसका बातों को मानेगा नहीं तो वो मेरा गला कटवाएंगे। गला कटवाने दे, आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। गला बचाने के लिए यीशु को इनकार करें, आप हमेशा के लिए आग की झील में गिरेंगे। यही है ये तीनों वचन का संदेशा। आग और गंधक की पीड़ा में पड़ा रहेगा, उनका पीड़ा का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा, और जो उस पशु और उसके मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। याद रखे बात, ये बात आपको क्या करना है। अगर आप विश्वास में स्थिर रहने वाला है, रैप्चर में उठा लिया जाने वाला है, तो आपको इनाम की वचन की इतनी प्रैक्टिकल जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात आपको सुनने वाला हर एक को बराबर सुना दो, क्योंकि आपकी बातों को सुनने वाला परमेश्वर का वचन को सुनकर उद्धार में आने के लिए इनकार करने वाला काफी लोगों को आपको मिलेंगे। मालूम है भाई साहब आप जो बोलता है सब बराबर है, लेकिन क्या करूं मेरे धर्म वाला ऐसा बोलते हैं, मेरा घर वाला ऐसा बोलते करके डर के मारे, डर पोक करके क्वेड़ी की स्वाख्याना देखने वाले हैं, डर के मारे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आप रैप्चर हो जाएगा, बोला हुआ आप चले जाएगा, तब उनको माथे पर हाथ रख ऐसा बोलना पड़ेगा, बेवकूफी ने क्या गड़बड़ किया, तब वो लोग ये वजन याद करेंगे। परमेश्वर का वजन जीवित है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का ताकत से भरा हुआ है। अब सच्चा दिल से बताएगा सुनने वाला दुनिया को, एक तो बचाने के लिए, नहीं तो बाद में दंड में गिरने वाले को बचने के लिए भी अवसर मिलता है। बताते रहो, घर के अंदर के लोगों को बताते रहो, पप्पा मम्मी भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी सुन लो, अगर आज रैप्चर होएगा तो मैं जाने वाला हूं, उसके बाद आप नंबर लेने के मजबूर हो जाएगा, नहीं लिया तो दुकान से सामान नहीं मिलेंगे, आपको पकड़ के गोली चला के नहीं तो गला कटवा के मार डालेंगे, आप ले मत लिया तो दोबारा मुझे नहीं मिलेगा करके बोलने का एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया। भूलो मत, संपूर्ण वजन कुछ ना कुछ काम भी आने वाला है, परमेश्वर बिना मतलब से कुछ लिखे रखा नहीं है, ये याद रखें, हम आगे बढ़ेंगे। यही है नंबर ले लिया तो इश्यू, जो कोई पशु या उसके मूर्ति का दंडवत करे, जो कोई अपने माथे और अपने हाथ पर उसकी छाप ले उसका हाल ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई चेंज है ही नहीं है, कोई दूसरा चांस मिलेगा नहीं, वो जमाने की बात बोल रहा हूं। आज ऐसे जिंदगी में डर के मारे कुछ करेगा तो मौका मिलता है, लेकिन उधर करेगा तो हम लोग को पहले नंबर मारेगा या उसका नाम मारेगा, वो नाम के साथ हमको खुल्ला खुल्ला इनकार करना ही पड़ेगा। 14 का 9 10 11 वचन की संदेशा है, मैं आपके दिल में बैठने के लिए एक तस्वीर और एक बार बड़ा करके भी दिखाया है। प्रभु के आगमन में अगर आप छोड़ दिया गया तो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा न करें। आगे को हमको दुनिया को देने वाला एक संदेशा है, आपके घर के अंदर काफी लोग उधार पाया हुआ है, कुछ लोग उधार पाया नहीं, उनको आप बता सकते हैं संदेश, ये अभी देखा हुआ तीनों वचन के आधार पर एक संदेश है। अगर आप छोड़ दिया गया तो कई पास्टर लोग ये संदेश रिकॉर्ड करके इधर उधर स्टॉक करके रखा, कई लोग ट्रैक्स छाप करके भी रखा होगा, ताकि जाने के बाद कलीसिया उठा लिया जाएगा, हर एक घर के अंदर से शायद एक जाएंगे, ऐसा जाएगा बाकी सब लोग मेरा भाई क्या करता था, मेरा बहन क्या करता था, मेरे बेटी क्या करता था करके ढूंढना जांच पड़ताल करना शुरू करेंगे। वो करने के टाइम इस तरह के संदेश की तरह से मिला था, इसलिए पास्टर को रिकॉर्डिंग करके रखा, वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा मैंने देखा। अगर आप छोड़ दिया गया है तो वो नंबर लेने के लिए निकलो मत, आपके घर से गया हुआ लोग स्वर्ग में चले गए हैं, आपको उनको मिलना है तो उनका नंबर लेना मत, अगर गला कटवाए जाए तो काटने दो करके लिखे रखा है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है। ये भी आज हमको करने के लिए दिया हुआ संदेश है, उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा न करें और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप
नाले 100% बता रहे हैं। मत्ती का 10:23-22 में प्रोवेशन ने बताया, इफ यू टेक 666 नो एस्केप फ्रॉम द लेक ऑफ फायर। ये बात हम लोग दबा दबा के लोगों को बोलना है, लोग मन फिराने को तैयार नहीं है तो उनको पीड़ा के दंड की बातें बताना है। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। योना के 3 में अंदर एक बार और एक तरीका में बताया है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बुरा काम करने वाला अपना बहाना ढूंढ रहा है, मतलब क्या करूं, खाना कैसा खाएगा, मतलब कोई तो खाना खा के मर के नरक में जाए या खाना खाने के बिना भूखा स्वर्ग में जाए, कौन सा अच्छा। यीशु मसीह ने बात साफ साफ बताया, तुम्हारा हाथ पाप का कारण बनता है तो वो हाथ को काट के फेंक दो, दोनों हाथ रखकर स्वर्ग नरक में जाने से अच्छा है एक हाथ वाला बनकर नरक स्वर्ग में जाना। प्रभु हाथ काटने का डायरेक्ट आदेश उधर नहीं देता, लेकिन पाप कितना भयानक है करके उसका सीरियस समझा रहा है, कंपेयर कर रहा, तुलना करके दिखा रहा, पाप को हट जाओ, आंखों से पाप करके उठा निकाल के फेंक दो, वो नहीं है तो पाप मत करो, बचो, भागो, भागो, व्यभिचार से भागो करके लिखे रहता है। व्यभिचार की प्रेरणा आती रहता, कुछ लड़का लड़की से मिलते रहता है तो उधर समझौता मत करो, उधर फास्टिंग बनाए मत करो, भागो उधर से, दोबारा मिलो मत। मतलब पहला योना 5:12 में पढ़ते हैं, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इन बेसिक बातों में, नींव की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करो। लोग कुछ भी बोले, मतलब अपना अपना साबित करने के लिए, उनके सामने ऐसा लिखा है और ये सच है, मैंने विश्वास किया है, इससे हटना मैं नहीं चाहता, अपना गवाही बोलकर हट जाओ। मैंने अपने गवाही आपको बताया था, वो पंडित के सामने बोल दिया, प्रभु छुएंगे लोगों को, जिनको प्रभु ने सोचा है उनको लाएंगे। हमारा काम है उनके गवाह बनकर लोगों के सामने खड़ा होना। उसका 12-13 वचन पढ़ें। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में से एक शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम के विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मैं इधर मैं 2 वर्ड कलर में डाल दिया, नंबर 1 पवित्र लोगों का धीरज, ये जमाना हमारा ताकत से कुछ होने वाला है। इन जो मृतक प्रभु में मरते हैं अब से धन्य है, ये परमेश्वर का बच्चों लोगों को शैतान की एजेंट के हाथ में दे दिया जमाना है। उधर लड़ाई फाइटिंग मत करो, उधर हम लड़के जीतने वाला है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दे दिया है। मालूम है हमको भोगना है। 2 भविष्य वक्ता लोग कैसे मरते, परमेश्वर के भविष्य वक्ता लोग, उनका ड्यूटी खत्म किया, वो दुष्ट जो अंदर अगाध कुंड से आया वो आके इन दोनों को मर्डर कर रहा है। ये बात में धीरज रखो, परमेश्वर ने जो बोला वो बात मानना। इसराइलियों को जासूसी करने के लिए कनान देश में भेजा, 12 गोत्र का 12 लोग, उसमें 10 आके बुरा रिपोर्ट लाया, बड़े बड़े लोग हैं उधर, फाइलवान लोग हैं, हम जा नहीं सकते, हम वापस जाए। परमेश्वर ने उनको बोला ये हटीले लोग हैं, मूसा मैं इनको सब खत्म कर डालूंगा, तुम्हारे बच्चों को लेकर जाऊंगा। मूसा ने सौदा किया, प्रभु ऐसा मत कर ले, आपका नाम खराब हो जाएंगे, आपने उधर से इधर तक लेकर आए इनको, इधर ही मार डाला करके बोलेगा तुम, उनको माफ कर दे। परमेश्वर ने प्रोग्राम चेंज कर दिया, ठीक है ये लोग को ताबड़ तो मार लूंगा नहीं, ये जो गया हुआ लोगों में से और उनके खानदान से 20 उम्र के ऊपर के सारे लोगों को मैं अस्ते अस्ते खत्म कर डालूंगा, बाद में बच्चे लोग दो नाश हो जाएगा करके बोले, उनको लेकर जाएंगे। ये बात सुन लिया तो इसराइली बहुत हिल गया, सीधा इमीडिएटली नहीं हम जाएंगे करके। मूसा ने बोला जा मत, परमेश्वर ने बोला अगर 40 साल आगे तुमको इधर घूमना है, परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन तब वो उनको होश में आया तो नहीं जाता हूं करके सीधा ऊपर चले गया, उधर से कुछ लोगों को मर्डर कर दिया। परमेश्वर वक्त में जो बोला वो करना है।
अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ बातें क्लियर कर दिया, अब्राहम ने वो माना, वो धर्मी ठहरा गया, उसके आगे का पीढ़ी को और साफ साफ मिला। आज हमको संपूर्ण रेवलेशन मिला है, उसके आधार पर हम चलना है, उसी के आधार पर हम कदम उठाना है। वो जमाने का बेली सब बत खत्म हो गया, आज हमको बेली करना नहीं है। इस तरह की बातें हम सुने आज्ञाए और अनुसरण करे, आज्ञा पालन करे, तभी हमको समझ में आता है। विदाउट ओबीडियंस यू कैनॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ गॉड्स टीचिंग। परमेश्वर का आज्ञाओं की गहराई आपको समझना है, मालूम पड़ा बातों का आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन करे तो आप आगे का बातें मालूम पड़ेंगे। पहली स्टैंडर्ड कदम करे, दूसरी में जाएंगे, दूसरी के बाद पढ़ाई के बाद एग्जाम लिख लो और तीसरे में भेज देंगे। यही परमेश्वर का भी तरीका, एक ही टेक्स्ट बुक है लेकिन हम आगे आगे बढ़ने वाला है। मतलब मृतक प्रभु में मरते हैं, अब से धन्य है। ये मरने का जमाना है, मसल पावर चलेगा नहीं। इसका एक उदाहरण आज की दुनिया में हुआ, एक बात मैं आपको दिखाता हूं, मतलब याद आ रहा है। अमेरिका 20 साल पाकिस्तान के बगल का अफगानिस्तान में जाके काम किया। बात यही था कि उनका उधर ये आतंकवादियों से बचाकर देश को करके देने का है। मतलब 20 साल काम किया, वो 5 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया, काफी अमेरिकन सैनिकों का जिंदगी खत्म हो गया। लेकिन हर के हर मान के ये अफगानिस्तान की आतंकवादियों से समझौता बना के बोलो भागे। इसी समय 10 साल 2 मुस्लिम अवृत लोग ईरान में 20,000 बाइबल बांटा। ये आसपास एक ही जमाने में है, 20,000 बाइबल बांटा। उनको चेतावनी दिया गया, पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला, जेल में कलीसिया शुरू हो गया। जेल वार्डन उनके सामने आके प्रार्थना के लिए खड़ा होते थे। परमेश्वर का वचन का ताकत, मसल पावर ऑफ गॉड एंड मसल पावर ऑफ मैन। अमेरिका सपोज टू बी क्रिश्चियन कंट्री, उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। 5 लाख करोड़ रुपया, इतनी सैनिकों का जिंदगी पूरा वेश करके डर के मारे भाग गया होगा। आज अमेरिका का ताकत खत्म हो गया करके दुनिया को मालूम होने के ऐसा उनका पराजय खुला भी होगा। परमेश्वर के ताकत के बिना 127वां भजन में पढ़ते हैं ना, अगर यहोवा घर न बनाए तो घर बनाने वाला व्यर्थ काम करते हैं, अगर शहरपना को यहोवा संभालते नहीं हो तो संभालने वाला व्यर्थ संभालता है। परमेश्वर का सुरक्षा जब तक हमारे पास नहीं है, हर बातों में परमेश्वर सुरक्षा देते हैं। मतलब वो हमारा मेडिक्लेम बनेगा, हमारा बीमार ना होने के लिए रोकने वाला बनेगा। मतलब उन्होंने हमें दे दिया जिंदगी चलाने के लिए जो सुविधाएं जरूरत है वो सब वो देने वाला है। भरोसा उन पर ही रहे। इधर ये जमाने में ये बात खुलने खुला बता रहे, तब मसल पावर मत दिखाओ, तुम हरने वाला ही है क्योंकि मैं उसको दे दिया। धीरज रख लो, मरने वाला धन्य है करके बता रहे। इसके बारे में बताने वाला कुछ वजन मैं नीचे लेकर सबोपदेशों की किताब में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक गांव को जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय, ऐसा वगैरह काफी बातें मालूम है। मरने का समय, जीने का समय करके, इसलिए हम लोग परखना है प्रभु अब मैं क्या करना है। प्रेरितों की किताब में जब इस समाचार सुनाने के लिए प्रेरित पौलुस और मिलकर जाने को सोचा था, पवित्र आत्मा ने रोक दिया, आप उधर मत जा, दूसरे जगह पर ले जा, इसके बाद वापस इधर जा। इसका मतलब परमेश्वर को पता है अब क्या करना है। बिफोर वी टेल द गॉस्पल टू एनीबॉडी, दुनिया को सुसमाचार सुनाने से पहले वो व्यक्ति के बारे में परमेश्वर को बता दो। परमेश्वर सही अवसर बना के देगा, सही शब्द बना के देगा, सही सिचुएशन में आपको चलाएगा। इसका मतलब परमेश्वर का योजना मालूम बढ़ना आपको जरूरत है। आपको जो जोश में लगा करते जाएगा तो आप थक जाओ। सुसमाचार की सेवकाई, चाहे कुछ भी काम आप करते हो, आपको आपका मर्जी से कर नहीं सकते, आप थक जाएंगे क्योंकि हमारा दुश्मन हमसे बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। लेकिन प्रभु के साथ चलते रहेगा, प्रभु के आदेश में चलते रहेगा, उनकी अगुवाई में चलते रहेगा, लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, ऐसा वचन में लिखा रखा, पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा चलते रहेगा तो हम हरने के मतलब नहीं है। स्तफानुस के जैसा पहला भाषण में मरूं शाहिद बन के, या यूहन्ना के जैसा 100 साल रहकर प्रकाशन लिख लूं, कोई फर्क नहीं है। हमें अपना ड्यूटी मालिक की इच्छा के अनुसार करना है। यह बात आप दिल में रखेगा, आपका बुलाए जाने और चुन लिए जाने भली भांति आप समझेंगे, आप पूरा भी करेंगे। आए हम आगे बढ़ेंगे।
उसका 14 से 16 वचन पढ़े, एक विशेष बात, एक फसल काटने की बात नजर पड़ने वाले। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोका हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। ये जमाने के बारे में दो न्याय की बात बता, इधर फसल काटने की बात बताया, लवनी काटने की, आगे को ये अंगूर की रस को दबाकर उसको दबाने की बात बताया। मतलब ये जमाने में भी कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ बुरे लोग भी है। बुरे लोग भी मरने वाले हैं, अच्छे लोग भी काफी मरने वाले हैं। ये शैतान की बातों को इंकार करने वाले को शैतान मार डालेंगे, वो अच्छे लोग है, वो फसल के रूप में आके ऊपर बैठने वाला। लेकिन परमेश्वर को टुकराने वाले लोगों को परमेश्वर का क्रोध ही उनको नाश करेंगे और वो दंड में गिरने वाला है। दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप को इधर बताया है 14, 15, 16 वजन में, लवनी काटने का, फसल काटने का, हार्वेस्ट की बात बताया। हार्वेस्ट काटने वाला, भेजने वाला प्रभु यीशु ही है, ऊपर से भेजता है और धरती में कार्य हो रहा है। क्या क्या होने वाला, इस तरह अनाज जमा होने वाला। प्रभु ने बोला अनाज को अपने खलिहान में जमा करेंगे और भूसी को लेकर आग में जला देंगे। ये अनाज की बात इधर बताया 14 का 14, 15, 16 वचन में, इस तरह कर रहा है। आगे की बातें आप देखो 17 से 20, दूसरा तरफ के न्याय के बारे में बताया, पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिस आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चौका हंसुआ था, उसे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। नगर के बाहर उस रसकुंड में दांत रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। अंगूर के उदाहरण बताते हुए बताया को भी आखिरी में आके अंगूर का रस को लहू करके बताकर हमारे लिए स्पष्ट कर दिया, रसकुंड से इतना लहू निकाला। मतलब ये दंड को दिखाते हैं, दूसरा अपनों को वध करके ही जाते हो, लेकिन यीशु के लिए, उनके वचन के लिए, एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी को ना मानने के वास्ते मर्क में फसल के रूप में स्वर्ग में पहुंचने वाले, और इधर अपना डर, अपना जान बचाने के लिए प्रभु यीशु ने बोला खुद का जान बचाने वाला उसको खोएगा, मेरे लिए खुद का जान खोने वाला उसको बचाएगा। ये सिद्धांत इधर बराबर क्लियर दिखाते हैं। भले में दूसरे स्वर्गदूत की तरफ से आवाज, दाखलता का गुच्छे काट ले, दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिए। ये दाखलता और अनाज के बीच का फर्क हम लोग इन वचनों से समझ में आता है, मालूम है। इसलिए हमको ये पैसेज पूरा एक साथ मिलकर पड़ेगा, वो दूसरा 3 वचन उसके साथ पड़ेगा, हमको इसका भिन्नता, इसका डिविजन, इसका अलग फर्क बराबर मालूम पड़ता है। और ये 20वां वचन में लिखे रखा है, नगर के बाहर उस रसकुंड के दाख रोंद गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस, ये 100 कोस बोलेगा तो 320 किलोमीटर। एक फाइनल वारफेयर को एक प्रोफेटिकल आवास भी दिखा रहा है। ये 3.5 साल जो दूसरा आधा होता है उसमें ये बात चलते रहेगा, लेकिन अगर होने वाला एक फाइनल खटना को भविष्यवाणी की तरफ से एक आवास भी इधर दिया है, वो फाइनल ये दाकर, सब ये दाकर उसका भी थोड़ा तस्वीर आप देखिए। इधर फर्स्ट फसल काट के जमा करने वाली बात नहीं है, दंड, आग वगैरह सब बातों का सूचना इधर दिया, दाख को, अंगूर को दबा दबा कर, मालूम है, इस तरह करने का उदाहरण से ये दंड को दर्शा रहा है। और ये 320 किलोमीटर की बात ने बताया है, ये आगे आने वाला एक बात को भविष्यवाणी का रूप में एक संदेशा है।
16 अध्याय में वैसे पढ़ते हैं, और उन्होंने उनका उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिद्दोन कहलाता है। ये हरमगिद्दोन इधर इसराइल है, ये इसराइल में जरूसलम इधर है, तो इधर से अंदाज 70 किलोमीटर नॉर्थ में एक जगह है मगिद्दो करके। ये एरिया में ही फाइनल वार होने वाला है, दुनिया का पूरा मिलिट्री इकट्ठा होने वाला है। तो हम लोग 19 अध्याय में जरा डिटेल देखने वाला भी है। मत्ती का 13 अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से ठोकर की कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। इधर भूसी और अनाज को अलग करने वाला यह सिस्टम चलते ही रहेगा। मसीह विरोधी को मानकर अपना जान बचाने वाला भूसी के जमाने में खुद का जान पापड़ तो बचाएगा, लेकिन आगे मर के नरक में जाएंगे, दंड में जाएंगे। ये बातों को उधर दिखाते रहेगा। ये सब किस लिए है? बोलते रहेगा, वो जमाने में जाने वाला लोगों को बराबर अगुवाई मिलते रहेगा। अब यरूशलेम के आगे मगिद्दो करके तराई में ये होने वाली बातों का उसका भी फोटो दिखाया। इधर इतना लंबा खून बहेगा बोलेगा तो बहुत से लोग इकट्ठा होने वाले, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर के सैनिक लोग ऊपर से आने वाला मसीहा के लड़ने के लिए, हम आगे डिटेल पढ़ने वाला है, इकट्ठा होने वाला है। उसके बारे में भविष्यवाणी के रूप में यह बात बताया हुआ, यीशु मसीह आना ऐसा है। ओलिव पहाड़ में प्रभु यीशु उतरेंगे, इधर आके ये जगह पे आर्मगेडोन, इधर यह 70 किलोमीटर दूर है, उधर आके प्रभु यीशु अपना मुख वचन के द्वारा इधर के लोगों को खत्म करने वाला है। और आके इधर उतरेंगे और आगे कुछ कार्य है, जैतून बाहर दो भाग हो जाएंगे, बीच में एक तराई बन जाएंगे। इन सब बातों को आगे आने वाला क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाला भी है। 70 किलोमीटर दूर मगिद्दो तराई और जरूसलेम, इस तरह होने वाली बातें हैं। यही है आर्मगेडोन, ये जगह पे पूरा दुनिया के सेना आने वाला करके बातों को हम सीखने वाला है। पूर्व से 20 करोड़ सेना आने वाला है, किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ ईस्ट, ये वगैरह सब लिखे रखा हुआ है, लोग इकट्ठा होने का। द फाइनल वार, आर्मगेडोन लड़ाई, आके इकट्ठा होकर सब इसराइल का ए जगह पे इतना दूर एरिया में आने वाला है। और उधर लिखे रखा है, इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस या 320 किलोमीटर लंबा लगाकर प्रभु ने बराबर हमारे लिए बातें लिखे रखा है। आज के पास से हम लोग पीछे एक राउंड मारेंगे, देखते रहना, 6-6 का नंबर किसी भी हालत में लेना नहीं है करके, हम जो लोगों को मिलता है बताना है। ये कल का इतिहास है, टुमोरोस हिस्ट्री हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जल्दी होने वाली बातें हमको बताया है और हमारे मन को खुल के दे दिया है नया जन्म पाने के लिए और सत्य को समझने के लिए। खामोश मत रहो, टाइम बर्बाद मत करो, मिला हुआ बातों को, लिखा हुआ बातों को बताते रहो। आप काफी लोगों को रैप्चर के बाद भी मसीह विरोधी का ए नंबर लेने से रोक के बचाने के लिए कारण बनेगा, खास करके अपने घर के खानदान के रिश्तेदारों के लोगों में से बताना, बिल्कुल शक मत करो। ये बात के बारे में खफ्फा फैलाने वाले बातों को छोड़कर लिखा हुआ बातें आप बताते रहो, बराबर परमेश्वर ने हमारे लिए लिख रखा है। वचन की सेवकाई और प्रार्थना, पत्रोस ने बोला हम खाना पकाने को बातों को छोड़ेंगे और वचन की सेवकाई और प्रार्थना में लगे रहेंगे, यस उसके लिए हम बुलाए गए। प्रभु ने क्या क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, 144,000 लोग क्या किया, कैसा किया, सब हम लोग देख चुका है। हम लोग आगे आगे बढ़ रहा है, आगे ये 7 कटोरे के पास आने वाला है। आए हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान, आप इस तरह हमें बातें सिखा रहा प्रभु, खुल्लम खुल्ला आपने लिखे रखा हुआ बातें प्रभु, ये बातों से कभी हम आलसी बनकर रहने वाला न होने दें। हम पौलुस की भाषा में एक मूर्ख के जैसा परमेश्वर ने बता दिया बातों को बोलते रहना है, आज्ञा पालन करते ही रहना है, इसके लिए हमें मदद करें। दुनिया के अधिकांश लोग, बुद्धिमान, ज्ञानी, धनवान, सब सोचने वाले, ये बात को पता ही नहीं है।
अमेय वचन को पढ़ते रहेगा तो दुनिया में होने वाले बातों को आपकी नजरिया से, आपके दृष्टिकोण से हमें एक अच्छा जांच पड़ताल मिलता है। दुनिया पाप के बारे में जानते नहीं है, जबकि दुनिया का हर समस्याओं का मूल कारण पाप है। पाप मतलब परमेश्वर आप आपके रास्ते पर जाओ, हम अपने रास्ते पर जाए, क्या करके बोल के बलवा करने वाला आदत आज का पाप है। ये पाप से आपने हमें मुक्ति दिया, आप हमारा प्रभु बनकर आया, परमपिता परमेश्वर आप हमारा पिता बनकर आया, इस तरह हम लोग खानदान में आया, आप बेड़शाला में आया, पिता के घर के अंदर आ गया। ये ना आया हुआ हजारों करोड़ों बड़े बड़े छोटे अमीर गरीब जानकारी पाया हुआ लोगों के बीच में आपने हमें खड़ा कर दिया और इस तरह के ज्ञान बांट रहा है। प्रभु हम खामोश रहने वाला ना बने, हम आगे बढ़ने वाला बने, हम डर के भागने वाला ना बने। ये दुनिया के संपत्ति के ऊपर आसरा रखेगा प्रभु, लोग ये पढ़ने के लिए नंबर में बढ़ते आने दें, आपका सुसमाचार फैलते रहने दें, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने दें। भविष्य जो आपको मालूम है हमको प्रकट कर रहा है, आपसे बढ़कर कोई दोस्त, कोई पिता, कोई प्रभु हमें है ही नहीं है। ये सत्य में आगे बढ़ने के लिए हम सबको आशीष दें। आज मुझे और हम सबको आपके हाथों में रख लेते, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात किया, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम भी करता पिता परमेश्वर, आमीन।